हे एवरीवन, आज मैं एक और DIY प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जिसका मेन आइडिया इन दो चेयर्स से आया मुझे. सो बेसिकली आई फाउंड दीज चेयर्स आउटसाइड समवन्स हाउस एज दे वर डिस्कार्डिंग देम. सो मैंने सोचा इतनी प्यारी चेयर्स हैं, कुछ फन करते हैं इनके साथ. ये दोनों चेयर्स बेसिकली स्टूल चेयर्स हैं और प्योर वुड की हैं. इनकी आपको ब्यूटीफुली कार्व डिटेल्स भी नज़र आ रही होंगी. और मज़े की बात है, ये दोनों चेयर्स रोटेट करती हैं, जो कि आर्या का फेवरेट फीचर है अबाउट दीज चेयर्स. पहले मैंने सोचा कि मैं इन बार स्टूल्स को किचन में बार टेबल के साथ यूज़ कर लूँ, बट देन आई वाज लाइक आई डोंट नीड दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस इन माय हाउस. वन थिंग दैट आई नीड इज़ अ स्टडी स्लैश ऑफिस नूक. बट सबसे पहले तो इन चेयर्स को ट्रीट करना ज़रूरी है. इन चेयर्स को मैंने ऑलरेडी टर्माइट स्प्रे कर लिया था टू बी ऑन द सेफ साइड. उसके बाद अब बारी है इनको सैंडिंग करने की. थोड़ा मुश्किल था इनको सैंड करना ड्यू टू दिस अनइवन स्पेस, बट कोशिश थी कि जितना हो सके उतना बेहतर है. सैंडिंग होने के बाद मैंने प्राइमर कोटिंग करना शुरू कर ली. ट्रस्ट मी, ये दोनों चेयर्स को पेंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था बिकॉज ऑफ देयर कार्व डिटेल्स. इसके लिए मुझे एक फ्लैट ब्रश यूज़ करना पड़ा एंड नॉट द रोलर, सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अब आपको दिख रहा होगा कि हाउ डिफरेंट इट लुक्स बीइंग प्राइम्ड. इस टाइम तक तो मुझे लगा कि आई शुड पेंट दिस वाइट बिकॉज आई काइंड ऑफ लाइक्ड दिस चेयर इन ऑल वाइट कलर, बट यू नो व्हाट, आई हैड सम अदर आइडियाज फॉर दिस. नाउ कमिंग टू द फाइनल पेंट, आई चोज टू डू ब्लैक पेंट फॉर दीज चेयर्स. बेसिकली मैंने सेमी ग्लास पेंट यूज़ किया है. आप किसी भी पेंट की शॉप पर जाएँ और उनसे वुड ट्रीटमेंट का पेंट मांगें, वो आपको हेल्प कर देंगे इन दिस रिगार्ड. ब्लैक पेंट में बहुत ज़्यादा फ्यूम्स थी. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू वेयर अ मास्क वाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, वरना मेरी तरह आपको हेडेक और हे फीवर की स्नीजिंग आती रहेगी. एंड अब चेयर्स की शक्ल कुछ डिफरेंट आ रही थी, तो जल्दी से इनको कंप्लीट करके स्टडी एरिया के लिए शॉपिंग करने चलते हैं. तो जनाब, आई एम बैक टू केमार्ट, माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेस टू गो. बेसिकली यहाँ पे रीजनेबल होम डेकोर मिल जाता है, सो दैट्स व्हाई आई फाइंड इट प्रिटी गुड प्लेस. आज मैं इनकी ऑफिस डेकोर के सेक्शन में हूँ. आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ पेन होल्डर एंड अ ऑफिस डॉक्यूमेंट होल्डर स्टैंड फॉर माय ऑफिस टेबल. फाइनली शॉपिंग भी हो गई और आपको दिख ही रहा होगा एक अदद ऑफिस टेबल भी आ चुका है. ये ऑफिस टेबल बेसिकली मुझे ऑफिस वर्क्स पे नजर आया था, बट देन आई फाउंड द सेम टेबल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस ऑन हाफ प्राइस, सो आई थॉट व्हाई नॉट सेव सम मनी. एनीवेज, अब लेट्स स्टार्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर एंड फाइनली हैव माय न्यू स्टडी स्लैश ऑफिस स्पेस रेडी. सबसे पहले इस पेंटिंग को यहाँ लगा दिया, विच गेव अ वेरी नाइस वाइब. उसके बाद मैंने ये ऑफिस टेबल होल्डर्स लिए हैं केमार्ट से इन ब्लैक कलर टू कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द वाइट टेबल. इनको सेट करते हैं, बट लिटरली सही बताऊँ तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि सेटिंग करूँ कैसे. बट सेटिंग करने का सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है टू ट्राई आउट डिफरेंट आइडियाज एंड देन स्टिक टू वन आइडिया. एक और चीज़ जो ली थी मैंने फ्रॉम ऑफिस वर्क्स इज़ दिस टेबल लैम्प. आई वॉन्टेड अ नाइस टेबल लैम्प फॉर दिस ऑफिस स्पेस एंड समथिंग विच वुड बी ईजी ऑन पॉकेट टू. आई एब्सोल्युटली लव द वुडन डिटेल्स ऑन दिस लैम्प एंड ऑफकोर्स द ब्लैक कलर इज़ देयर टू कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द वाइट टेबल. सो आई थिंक इसको हम इस साइड पर रख लेते हैं. ओ गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई अनदर सेटिंग. मे बी अगर लैम्प एंड टेबल होल्डर्स इस साइड पर रख दूँ तो कैसा लगेगा. कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है. ओके, लेट्स लीव दिस असाइड. क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने तो एक अदद प्रिंटर भी लेके रखा है इस टेबल के लिए, क्योंकि आर्या का स्कूल स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर से. सो आई थिंक इट इज़ परफेक्ट टू हैव अ प्रिंटर एट होम बिकॉज फॉर द डेज व्हेन इट्स गोइंग टू बी रिमोट लर्निंग. ऑल्सो यू गाइज नो दैट आई एम ऑल्सो स्टडिंग साइड बाई साइड, तो मुझे भी काफ़ी दफ़ा प्रिंट आउट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं बार बार ऑफिस वर्क्स जाती थी. बट नाउ आई थिंक इट्स गुड टू हैव दिस प्रिंटर एट होम सो वी कैन यूज़ इट. एंड आई थिंक दिस प्लेस वुड बी परफेक्ट टू कीप दिस प्रिंटर. बट सबसे पहले इसको सेटअप एंड इंस्टॉल करना भी एक टास्क था, सो ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट. Finally, cartridges are in and the printer is finally working. अब जल्दी से ये गन जो मचा है due to packaging and all, उसको साफ करते हैं और उसके बाद अपनी final setting कर लेते हैं for this office space. One thing that this space needs is a plant. So I got this fake plant from Kmart, which is again in black color. I think color-wise and size-wise, it goes perfectly with this table.
And finally, it's time to put the chairs that I painted for this space. I wanted to basically give a white and black contrast theme for this office area with some additional color of green and wooden texture. Ta-da! Finally, the study nook is all done and ready. I'm super excited to be working here, checking my emails, doing my homework, and also to make Arya do her homework here because we are going to be sharing this space. One thing that I would like to say is to keep your office table clutter-free. Only put things which you will be needing for your office and study space. Bas ek plant jo maine add kiya hai, I think that is enough for giving that oomph lift to any space. Uske alawa har cheez wahi rakhein jo istemal honi hai. I know aap log ke dimag mein ek sawal hoga ki itni uncomfortable chairs kaise use kar rahi hu main for the study / office area. To be honest guys, I don't do 9-to-5 job at home. I only take out like 2 hours a day to check my emails and to do some work on my computer. Also, I spend some time doing painting. So I needed chairs which will keep my posture straight and not too flat on the back like a resting posture. Because us posture mein aap paint nahi kar sakte. Aur aapka posture bhi kaafi ajeeb sa ho jata hai. So I wanted something which I can sit straight and do my painting and, you know, packaging for my brand and also check my email. So yes, I am in love with these chairs because I think they look perfect. Thank you so much guys for watching this video. If you liked it, don't forget to give us a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel also for more fun videos. I'll see you guys again with another fun video. Bye for now.